आप सभी को मेरा नमस्कार। पैनल में बैठे सभी लीडर्स को माई सेल्फ कौशल्या, 8-स्टार लीडर फ्रॉम सोनीपत। दोस्तों, कुछ भी बोलने से पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगी परमपिता परमेश्वर का, अपने माता पिता का, अपने सभी गुरुजनों का, अपने मेंटर्स का और अपनी छोटी सी प्यारी सी टीम का। दोस्तों, मैं सबसे ज्यादा धन्यवाद देना चाहूंगी उस परमपिता परमेश्वर का, जिन्होंने मुझे, जब मेरे पास ही अपॉर्चुनिटी आई, चांस अपॉर्चुनिटी, उन्होंने मुझे सद्बुद्धि दी, मुझे वो सद्बुद्धि दी जिसकी वजह से मैंने इसको चुना और काम करना शुरू किया। दोस्तों, मैं आप सबको बता दूं कि बचपन से ही मेरे सपने बहुत बड़े रहे हैं और बचपन से बड़ी हुई, बड़ी होके शादी भी हो गई, लेकिन सपने पूरे नहीं हो रहे थे। अब हर इंसान को पता है कि शादी के बाद में सपने देखना और उनका पूरा करना कितना मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन तो नहीं है ना। सच तो यही है, सपने देखना आसान तो नहीं, पूरा करना भी आसान नहीं, लेकिन मुश्किल है तो क्या, नामुमकिन तो नहीं। तो कुछ मेरे भी सपने थे जिंदगी में कुछ बड़ा करने के। तो शादी के बाद में जब मैंने सपने को देखा, मेरा सपना ऐसा नहीं था कि मैं घर में रह के झाड़ू पोछा बर्तन तक सीमित रह जाऊं। नहीं, मेरा सपना कुछ ऐसा था कि मैं अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए कुछ करूं। तो मैं बहुत दिनों से काम खोज ही रही थी कि मुझे कोई ऐसा काम मिल जाए जिसे मैं घर में बैठ के कर सकूं, अपने परिवार को भी देख सकूं और अपने सपनों को भी कर सकूं। दोस्तों, मैं ट्यूशन पढ़ाती थी, उसी दौरान मेरे घर पे, मेरे गांव से एक नाम है किरण आंटी, किरण जी, मैं जोरदार क्लैपिंग भी चाहूंगी और दिल से धन्यवाद देना भी चाहूंगी कि आज किरण आंटी ना आती तो शायद मेरे को ये टियांस अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। मैं तहे दिल से उनको धन्यवाद देना चाहूंगी कि वो एक भगवान के रूप में आई और ऐसे ही वो शाम के समय आई। उन्होंने बोला, मम्मी से पूछा कि कौशल्या कहाँ है, मैं ट्यूशन पढ़ा रही थी। जब उन्होंने पूछा तो मैंने सुन लिया था, मैं बाहर आई, मैंने बोला हाँ आंटी बताइए। तो अपने जो अपनी संस्कृति होती है, मैंने नमस्ते क्या पूछा। उन्होंने बोला कि बेटा आपके लिए कुछ काम है। अरे मंटी क्या काम होगा, ऐसे ही होगा सिंपल सा, क्योंकि उन्होंने मुझे कुछ और भी बताया था। उन्होंने बोला नहीं बेटा, इस बार बहुत हटके है। तो मैंने अपने जीवन में एक बात सीखी थी दोस्तों, जो हमारे पेरेंट्स ने कभी बताया था बचपन में, कि कभी भी किसी की बात को बिना सुने नकारना नहीं है। तो मैंने भी वही सोचा कि चलो आंटी कह रही हैं तो सुनने में क्या जा रहा है। मैंने आंटी की बात को सुना, पर आंटी को उस समय बताना नहीं आता था। आंटी ने मुझसे कहा कि बेटे मैं एक मैम को लेके आऊंगी। तो काम तो मैं ढूंढ ही रही थी, मैंने कहा तो ठीक है आंटी आप ले आना। आज मैं तहे दिल से सम्मान करती हूँ, रिस्पेक्ट करती हूँ अपने गुरु का, आज वो मेरे लाइफ में गुरु भी हैं और एज अ फ्रेंड मैं उन्हें रिक्रूट भी करती हूँ, वही कोई और नहीं, पिंकी जी। मैं जोरदार क्लैपिंग के साथ में उनका हमेशा स्वागत करती रहूंगी। कि जब वो लेडी आई तो दोस्तों, वो जब फर्स्ट टाइम आई तो वो बड़ी ही बिचारी बोल नहीं पाती थी, उनके लिए शायद ये पहला काम था। जब उन्होंने मुझे बताना स्टार्ट किया तो उन्होंने एक लाइन बोली कि अगर यहाँ पे 2-4 महिलाएं और आ सकती हैं तो बुला लो। तो मैंने कहा ठीक है, वो तो आ जाएंगी। मैंने अपने पड़ोस से 2-4 महिलाओं को बुलाया, उन्होंने डेमो दिया। वो समय बिचारी नहीं जानती थी कि कैसे बताते हैं, लेकिन मैंने कभी भी आज तक किसी को गिराने की कोशिश नहीं की है। आप कभी भी पिंकी जी से पूछ सकते हैं कि जब फर्स्ट टाइम मेरा उनसे इंट्रोडक्शन हुआ तो मैंने उनको दिल से सैल्यूट इसलिए किया कि यार हो सकता है कि इस लेडी के सपने मेरे से भी कहीं ज्यादा हो। अगर मैंने इसको आज एक्सेप्ट नहीं किया तो हो सकता है ये अपने सपनों को तोड़ दे। मैंने कहा नहीं, क्या हुआ,
आज नहीं तो कल बेहतर बताएगी, लेकिन आज जो इसने शुरुआत की है, आई रियली अप्रिशिएट दिस टाइप ऑफ पीपल जो कुछ करने की शुरुआत करते हैं। तो मैंने कहा ठीक है यार, बहुत अच्छा है प्रोडक्ट, सब कुछ अच्छा है, लेकिन मैं हमेशा पैसे के आंकड़े को देखती आई हूँ। मैंने उनसे पूछा कि यार इसमें पैसे आने का सिस्टम क्या है। वो उस समय प्लान देना नहीं जानती थी, बिल्कुल फ्रेशर थी, तो उन्होंने कहा कि कौशल्या जी ये तो मुझे नहीं पता, मेरे साथ मेरे सीनियर आएंगे तो मैं आपको उनसे पता करवा दूंगा। मैंने कहा ठीक है यार कोई बात नहीं, क्योंकि उस समय मुझे ट्यूशन भी पढ़ाना था, तो 4 बजे के आसपास वो आए थे। तो मैंने कहा ठीक है यार, आप जब भी आए तो सर को लेके आए, क्योंकि मुझे ये जानना है कि इसमें पैसे आते हैं। मैं थैंक यू करना चाहूंगी तेरे दिल से इंद्रजी सर का, पिंकी जी इंद्रजी सर को लेके आई, लेकिन वो किसी कारणवश रास्ते में लेट हो गए। लेट होने की वजह से मेरा ट्यूशन टाइम हुआ। मैंने पिंकी जी को फोन किया, मैंने कहा यार लेट तो पहले ही हो गए, मैंने तो बोला था कि 4 बजे के पहले आना, लेकिन आप लोग लेट हो गए, अब कैसे मैं टाइम दूंगी। लेकिन फिर भी एक बात मुझे याद रहती थी अपने माँ की, कि बेटे कोई बात नहीं, आधे घंटे का समय नहीं है, 10 मिनट का तो होगा। आए हुए इंसान को कभी भी आप रिजेक्ट मत करो, भले आप 10 मिनट दो मगर उसे दो। सर आए, दोस्तों आप इस बात को सुन के चौंक जाएंगे जो अब मैं कहने जा रही हूँ। शायद मुझे अपनी लाइफ में इस चीज का नहीं पता था जो उन्होंने मुझे उस समय बोला, क्योंकि मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही भूत रहता था, पैसे कमाने का। हेल्थ मेरी खराब हो गई थी, लेकिन कभी मैंने उस चीज को नहीं देखा था। जब उन्होंने, जैसी मैंने उनसे प्लान की बात की, तो उन्होंने मुझे क्या बताया कि आपका नाम क्या। मैंने कहा सर कौशल्या। तो उन्होंने एक लाइन बोली कि मैडम पैसे तो कहीं से भी आ जाएंगे, आपने अपनी सेहत को भी देखा है। मैंने कहा यार, मैंने कहा क्या हुआ सर सेहत को। मैं उस समय दोस्तों बहुत हेल्दी थी, मेरा वेट 104 केजी था, और मैं रियली बहुत सारे हेल्थ इश्यूज से जूझ रही थी, लेकिन मैं शो नहीं करती थी, क्योंकि जिंदा जली बॉडी में कुछ इस तरीके का था कि करना है करना है करना है, जिसकी वजह से मैं बहुत सारे एलोपैथ को यूज करके अपनी बॉडी को काम में लेती थी, जैसे कि मैं पेन किलर हुआ या आपका पैरासिटामोल हुआ, ये चीजें मैं लगातार यूज करके अपनी फैमिली में काम काज कर रही थी। लेकिन उन्होंने मुझे एक बात कही, मेरा उस समय जब ऑटोमेटिक कुछ वेट बढ़ रहा था, तो उन्होंने बोला कि कौशल्या जी आप सबसे पहले ना अपनी हेल्थ के बारे में सोचो, यहाँ से आप अपनी हेल्थ ठीक करो, और जब आपकी हेल्थ ठीक हो जाएगी तो आपके पास सब कुछ होगा। दोस्तों मुझे जिंदगी में पहली बार उस दिन ये रियलाइज हुआ कि हेल्थ इज वेल्थ। दोस्तों आज मैं धन्यवाद देना चाहूंगी हमारी कंपनी के जो फाउंडर हैं, जो चेयरमैन हैं, मिस्टर ली जोन, जिनकी सोच एक ऐसी थी कि उन्होंने काम अपने लिए करके समाज के लिए किया, अपने देश के लिए किया, और आज उनकी जो सोच है, उनका जो सपना है, उसको मैंने अपना सपना मान लिया। मुझे ये समझ में आ गया कि ये जो अपॉर्चुनिटी आज आई है कौशल्या, ये हेल्थ और वेल्थ दोनों देकर जाएगी। दोस्तों मैंने सर की बात को फॉलो किया, मैंने उस पर काम करना स्टार्ट किया। दोस्तों अगर मैं थोड़ी सी बैक की जर्नी बताऊं अपने हेल्थ इश्यूज की, तो उस समय मेरे पास कंडीशनें थी मगर सॉल्यूशन नहीं था। सॉल्यूशन भी खोज रही थी और जीवन में कुछ बड़ा करने की इच्छा तो लगातार बरकरार थी। मेरे कुछ हेल्थ इश्यूज इस तरीके से थे, ओवरवेट होने की वजह से मेरा यूट्रस बाहर आता था, जिसको मैं हमेशा अपने हाथ से ऊपर किया करती थी। हमारे यहाँ पे एक सोनीपत में एक डॉक्टर है सत्यवती, उन्होंने बोला कि आपको इमीडिएट ऑपरेशन लेना होगा, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। मुझे नीचे बैठने में प्रॉब्लम होती थी, उस समय दोस्तों मेरी वो कंडीशन थी कि मैं ऑपरेशन भी नहीं करा सकती थी, क्योंकि मेरी जो छोटी बेटी थी उस समय वो लगभग लगभग 8-9 महीने की थी, और उसके बाद जो मेरी दूसरी बेटी थी वो लगभग 1.5 साल की थी, और जो मेरी तीसरी बेटी थी वो लगभग 3.5 साल की थी। ऑपरेशन कराना भी मेरे लिए पॉसिबल नहीं था,
लेकिन मरता क्या ना करता, मैं तो खोज ही रही थी कि विदाउट ऑपरेशन अगर कुछ मुझे मिल जाए तो उससे बेहतर कुछ नहीं है। उसके बाद दोस्तों जब मैंने उस चीज को सर से समझा, सर से मैंने डिस्कस किया कि सर मुझे कुछ इस तरीके के हेल्थ इश्यूज हैं, क्या इस तरीके का समाधान भी है, सर ने मुझे कहा कि मैम बिल्कुल है, अगर आप ऑपरेशन से बचना चाहती हैं और अपनी हेल्थ को भी स्वस्थ करना चाहती हैं तो जैसा मैं कहूं वैसा आप कर लेना, आपको ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों जब हेल्थ इश्यूज थे कभी किसी से डिस्कस किया नहीं, लेकिन मैंने फर्स्ट टाइम वहां पे डिस्कस किया और मैंने उनकी बात को फॉलो किया और उन्होंने मुझे बीसीएम मशीन का कुछ सजेशन बताया कि मैम आप बैठ के इस तरीके से अगर आप थेरेपी लेंगी तो आपका स्वास्थ्य भी अच्छा हो जाएगा। दोस्तों सबसे बड़ी बात, ओवर वेट होने की वजह से घुटनों में भी समस्या थी, क्योंकि मेरे एक पैर में 48 स्टिचेस थे जिसकी वजह से, ओवर वेट होने की वजह से मेरे पैर मूवमेंट कम कर रहे थे, जिसकी वजह से मेरे पैर बैंडी नहीं होते थे। अब आप सोचो कि वो टाइम जिस समय बच्चे छोटे हो और हेल्थ इश्यूज ज्यादा हो, तो सोचो कि हर मिनट हर घंटा हर दिन कैसे कट रहा होगा। लेकिन किसी ने सही कहा है कि अगर हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं तो एक दिन जरूर मिलेगा, और किसी भी चीज को पूरा करने के लिए किसी की बात को पहले सुना जाता है और उसके बाद उसे पूरा किया जाता है। दोस्तों जब मैंने चीजों को यूज किया, आज मैं यूज करने के बाद में मेरे पास में जो सबसे बड़ी कमाई है ना दोस्तों, वो मेरी हेल्थ है। अब आप सोचो कि जब मैंने इस काम को शुरू किया होगा तो मेरे पास भी बहुत तरीके के चैलेंज थे, परेशानी थी, लेकिन मैंने एक चीज सोचा था यार कौशल्या, प्रॉब्लम तो आज भी रहेंगी, कल भी रहेंगी, परसों भी रहेंगी, लेकिन कोई भी जिंदगी में ऐसा दिन नहीं रहेगा जिस दिन कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और हम किसी काम की शुरुआत करेंगे। दोस्तों मैंने अपने काम को स्टार्ट किया, मैंने अपनी हेल्थ के लिए चीजों को यूज किया, और हेल्थ के साथ साथ वेल्थ कब आना स्टार्ट हो गई मुझे खुद भी नहीं पता चला, क्योंकि एक चीज मुझे पता थी, जो चीज आप यूज करते हो उसे दोस्तों जीवन में शेयर जरूर करना चाहिए, हो सकता है किसी इंसान का कुछ भला हो जाए, ये चीज मुझे पता थी, मैंने इसको फॉलो किया। अब आप सोचो कि दोस्तों कितना बड़ा चैलेंज था जब मैंने इस बात को घर में रखा कि मैं इस तरीके से हेल्थ तो मेरी ठीक हो गई और मुझे इसमें काम करना है, तो मुझे स्ट्रिक्टली मना कर दिया गया कि आपको कोई काम नहीं करना है, बच्चे छोटे हैं। अब आप सोचो दोस्तों कि मेरी बेटी, छोटी बेटी 1 साल, उससे दूसरी बेटी 1.5 साल और तीसरी बेटी 3.5 या 4 साल, तीनों बच्चे मेरे छोटे हो गए, और एक बेटी तो मेरी ऐसी थी दोस्तों कि जब कोई नया आदमी घर में आता था वो देखते ही उनको रोती थी, चिल्लाती थी। मेरे साथ में कुछ ऐसे एसोसिएट्स हैं जो इस बात के गवाह हैं कि जब वो मेरे घर आते थे तो मेरी बेटी किस तरीके से रोती थी और मैं उस चीज को मैनेज करती थी। क्यों? क्योंकि देखो आज तो बच्चे छोटे हैं तब काम नहीं होगा, फिर ये थोड़े बड़े होंगे तो इनका स्कूल का काम होगा, तब एक दीवार आएगी, फिर ये थोड़े बड़े होंगे फिर एक दीवार आएगी कि भाई बच्चे बड़े हो गए तो आपको घर में ही रहना है। यानी कि मुझे जो समझ आया कि कौशल्या घर से बाहर तो निकलना नहीं है लेकिन सपना पूरा भी तो करना है, वो कैसे होगा। दोस्तों मैंने अपने जब काम को शुरू किया तो मुझे एक चीज बहुत अच्छी समझ में बचपन में आई थी कि दुनिया आपका रास्ता रोक सकती है, दुनिया आपको ताल में बंद कर सकती है, लेकिन वो हमारे दिमाग पे ताला कभी। तो मेरा भी दिमाग 24 घंटे खुला रहता था, घर से बाहर ना जाने की ही तो परमिशन थी कि घर से बाहर नहीं जाओगे, लेकिन घर में रह के कुछ भी करने से कौन, जैसे आज हमारे भारत में कितनी ऐसी महिलाएं हैं दोस्तों। आज मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ अपनी सभी माताएं बहनों को कि आज 35 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या ऐसी है, ऐसी माताएं बहनें हैं
जो सुबह घर का काम करके 11 बजे फ्री हो जाती हैं और वो शाम के लगभग 4-5 बजे तक फ्री रहती हैं। क्योंकि अगर मैं भी एक गृहिणी हूँ, एक महिला हूँ, तो मुझे पता है कि सुबह कितने घंटे का काम है और शाम को कितने घंटे का काम है, दिन में कुछ जो फ्री टाइम है। तो जिस टाइम को हम इधर उधर वेस्ट कर रहे होते हैं, इधर उधर की बातों में, टीवी में, बाहर या एक दूसरे की चुगली करने में, अगर हम सब लोग उस टाइम का यूटिलाइज करें, उस टाइम को फॉलो करें, तो दोस्तों अपने सपने भी हम पूरे कर सकते हैं और समाज में एक खुशियों का पात्र भी बन सकते हैं। आज मैं बता दूं दोस्तों, मैंने कुछ अलग नहीं किया है। देखो, कंडीशनें जो हमारे बच्चे हैं, छोटे हैं या बड़े हैं, उन्हीं के बीच में हम शादी ब्याह में भी जाते हैं, उन्हीं के बीच में हम सारे और भी काम कर रहे हैं। और मैं ये पूछती हूँ कि इस काम को करके अगर हमारे घर में खुशहाली आती है तो हमें क्यों नहीं करना चाहिए। देखो, चैलेंजेस रहे हैं। अभी बीच में एक बार ऐसी भी नौमत आई थी कि ट्यांसी बिल्कुल नहीं करनी है। फिर मैंने सोचा कि यार ऐसा कौन सा काम है जिसे फैमिली ये बोलेगी कि ये आपको करना है। अगर हम अपनी मर्जी से सब्जी भी चेंज करके बनाते हैं तो इशू तो वहां पे भी बनता है। तो कहने का मतलब ये है कि सबके मन की जिंदगी में कभी नहीं हो सकती, लेकिन अगर हम लोग भी धरती पे आए हैं, हमारे भी कुछ सपने होंगे। मैं ये कहती हूँ कि बुरा करने से कोई रोकता है तो हमें 100 बार रुकना चाहिए, लेकिन जब हम अच्छा कर रहे हों तब हमें कोई रोकता है तो हमें उसका सोल्यूशन निकालना चाहिए। दोस्तों, मैंने जब इस काम की शुरुआत करी थी तो मुझे ये नहीं पता था कि मैं इतनी दूर तक चली जाऊंगी। मैं आज घर में रह के ही कैसे काम, इस बिजनेस को करने के लिए कोई हमें अलग से कुछ नहीं करना होता। जो काम हम बचपन से कर रहे हैं हमने वो ही किया है। आज हम ऐसा कौन सा काम है जिसे शेयर नहीं करते। लेकिन सर ने एक चीज बहुत बढ़िया मेरे को बताई थी कुछ समय पहले कि कौशल्या जी, जीवन में दो चीज हैं, मान लो और ठान लो। यानी कि जो इस पथ पे चल रहा है उसकी बात को मान लो और कुछ करने की ठान लो। तो मैंने कहा यार मुझे एक ही चीज जब लाइफ में समझ आई कि कौशल्या, जीवन में काम तो आज भी करना है और कल भी करना है। क्योंकि आज दोस्तों मैं बता दूं कि आज इतने बड़े चैलेंजेस आ रहे हैं लोगों के साथ में हेल्थ इश्यूज के, कि ना जाने कब हमारे जीवन में दुर्घटना घट जाएगी। आज हमारे सराउंडिंग्स में आप देख रहे होंगे बहुत सारे लोग घर से बेघर हो जाते हैं, लेकिन अगर हम कुछ काम कर रहे होते हैं तो हम सवर जाते हैं। आज मैं आपको बता दूं कि आज करंट की ही मैं सिचुएशन बता दूं अपने गांव की, और ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है। देखो, दुर्घटना कभी कह के नहीं घटती। एक हमारे गांव से हैं और आज ही उनकी डेथ हुई है। हालांकि वो फीमेल तो बेचारी वर्किंग थी, उनके पास भी 3 बेटियां हैं। और अब आप सोचो कि अगर वो फीमेल वर्किंग ना हो तो उन बच्चों का वो किस हालात में भरण पोषण करेगी। आप देख रहे होंगे कि इतनी महंगाई में एक सिंगल वर्किंग बंदा सिर्फ कंडीशन जिवा सकता है, लेकिन हमें कभी भी सपने पूरे नहीं करा सकता। तो आज मैं उन सभी माताओं बहनों को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि जो टाइम हम इधर उधर वेस्ट कर रहे हैं, उस टाइम को हम अगर एक अच्छे काम में लगाएं, यूटिलाइज करें। अब आप सोचें कि हम जब किसी से बात करते हैं, हम कुछ ना कुछ शेयर करते हैं, और ये बिजनेस भी दोस्तों इतना सिंपल है। इस काम में सफल होने का सबसे बड़ा मूल मंत्र क्या है कि टाइम बाउंडेशन नहीं है। आज मैं सफल हो पा रही हूँ तो क्यों, मैं कहती हूँ कि मान लेती हूँ कि 2 बजे घर का काम है, लेकिन हमारे इस बिजनेस का कोई टाइम पीरियड नहीं है कि ये 2 बजे करना है या 4 बजे करना है या 6 बजे करना है। ठीक है, 2 से 4 का काम हुआ तो मैं 4 से 5 में कर सकती हूँ, 5 से 6 में कर सकती हूँ, आज नहीं हो पाया तो कल कर सकती हूँ। लेकिन अगर मैं अदर किसी प्रोफेशनल होती तो क्या मैं ऐसा कर पाती? अगर मान लेते हैं मैं किसी जॉब में होती
क्या मैं ऐसा कर पाती? ऐसा दोस्तों पॉसिबल नहीं होता। तो मैंने जब इस चीज को स्टार्ट किया था तो मैंने ये सोच के स्टार्ट किया था कि आज मेरी जैसी कितनी माताएं बहने हैं जिनके सपने तो हैं लेकिन पूरा करने के लिए रास्ते नहीं है, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। आज हमारे समाज में बहुत सारी माताएं बहने वेट कर रही हैं कि कोई आए और हम भी अपना सपना पूरा करें, हम भी अपने मान सम्मान के लिए जिएं। दोस्तों आज मैं अपनी सभी फीमेल्स को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि हम कितना भी घर में काम कर लें लेकिन अगर हम एक गलती करते हैं तो वो सारे दिन के काम को जीरो कर देते हैं। लेकिन इस फील्ड में हमारे जो हेल्थ और वेल्थ जहां कमाने का, आज जो मैं हेल्थ और वेल्थ क्रिएट कर रही हूं, तो दोस्तों मैंने कभी किसी की बात को सुना और आज उसे फॉलो किया। फॉलो करते करते मैं इतनी दूर आ गई कि आज जब हम मार्केट में जाते हैं तो लोगों को हमारे जाने से पहले ये पता होता है, अच्छा ये कौशल्या है। आज दोस्तों मुझे बड़ा गर्व फील होता है और मैं बड़े गर्व के साथ कहती हूँ कि आज मेरे साथ में ऐसी कितनी माताएं बहने हैं जो कंधे से कंधा मिलाकर और इसी तरीके से घर की सभी सिचुएशन को हैंडल करते हुए, और कोई 6 स्टार बन गया, कोई 7 स्टार बन गया, कोई 8 स्टार के नजदीक हो गया, कोई 8 बन गया, जो हमारे इस पूरे बिजनेस सराउंडिंग्स में, मैं अपने सभी जितना भी देखो हम एक फैमिली हैं और हम सभी बिजनेस पार्टनर्स की मैं यहाँ बात कर रही हूँ, ऐसी बहुत सारी लेडी हैं जो अपने सपने धीरे धीरे पूरा कर रही हैं और वो हर घर में खुशियां पहुंचाने का एक पात्र बन पाई। सिर्फ किसकी वजह से? हेल्थ को पहले उन्होंने खुद ने अचीव किया और फिर उन्होंने लोगों को परोस दिया। आज उससे क्या हुआ दोस्तों कि लोगों के घर में पैसा भी आया और खुशियां भी आया। आपको मैं बता दूं दोस्तों, आज आप सब भी जानते होंगे, मैं भी जानती हूं कि आज ऐसी कितनी बहन और बेटियां हैं जो डिप्रेशन के शिकार हैं, जो ये चाहती हैं कि कोई आके हमें बताए, हम भी कुछ करें ताकि हम जो दिन में जो फ्री टाइम है जिसे हम गलत चीजों में यूटिलाइज कर रहे हैं, जिससे हम दिन भर माइंड पे प्रेशर रखते हैं, उससे हम बाहर आए। दोस्तों किसी भी काम को अगर हम करने का तरीका जान लें और उस तरीके किसी को पहचान लें तो कहने का मतलब ये है कि हम किसी की जिंदगी यहाँ से बचा भी सकते हैं और बना भी सकते हैं। क्योंकि लोग तो इंतजार कर रहे हैं, हम भी तो क्योंकि देखो मैं भी किसी का इंतजार कर रही थी कि कोई मुझे आके बताए कि मैं कुछ करूं। ऐसी तरह इतनी सारी माताएं बहनें हैं जो घर में रह के कुछ करना चाहती हैं। दोस्तों हमारा यूनिक है, देखो आज यूनिक है तभी मैं इसमें कामयाब हो पाई। वो कैसे हो पाई कि हमारा एक इकलौता ऐसा सिस्टम है जिसमें एक्टिव और पैसिव दोनों इनकम जनरेट होती हैं। आज मैं घर में बैठ के अगर लाखों रुपए जनरेट करती हूँ तो वो ट्यांसी की वजह से करती हूँ, क्योंकि जो सिस्टम है, जो मिस्टर ली ने जो सोचा, जो हमारे चेयरमैन है, मैं तहे दिल से धन्यवाद करूंगी उनकी सोच का कि उन्होंने ये जो जिम्मा उठाया कि हमारे पूरे भारत में, पूरे वर्ल्ड में लोग हेल्दी भी रहें और वेल्दी भी रहें, यानी कि एक्टिव और पैसिव इनकम। आज मैं घर में 1 लाख रुपए कमाने का पात्र कैसे बन पाई कि जो मशीनरी सिस्टम है दोस्तों, आज हमारी तमाम माताएं बहनों के घुटने खराब हैं, काश हम उन्हें बताने के स्रोत बन पाए। आज मेरे पास से ऐसी कितनी महिलाएं हैं जिनके घुटने बदले जाने थे लेकिन मैंने उनको सही समय पे सलाह दी और आज उनके 2-4 लाख लगने की बजाय वो 10-20-30 हजार में ठीक हो गई। दोस्तों हम एक ऐसा काम कर रहे हैं जिसके कहते हैं कि नर सेवा तो नारायण सेवा। हम सेवा भाव का ही तो काम कर रहे हैं, हम कोई भगवान नहीं, हम कोई डॉक्टर नहीं, लेकिन आज कंपनी जो हमें सिस्टम दिया है उसी को हम परोस रहे हैं। आज मुझे किरण आंटी ने बताया अगर मैं उन्हें पहले प्री जज कर लेती तो दोस्तों क्या मैं आज आप लोगों के बीच में होती? नहीं होती। कभी भी किसी को प्री जज नहीं करना, और मैं तो तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ किरण आंटी का कि वो मेरी लाइफ में
भगवान बन के आई, और उनकी वजह से आज ना जाने उनके माध्यम से आज मेरी जैसी कितनी बहन बेटियों की जिंदगी बदल गई। आपको भी पता है कि ससुराल में हर चीजों को फेस करना मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन तो नहीं है, आज नहीं तो कल होगा। और इसमें तो इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है काम करना, जब हम दिन भर काम करते हैं और शाम को हम एक दूसरे से जब यहाँ रूबरू होते हैं, अगर हम इस सिस्टम में ना होते तो हम इस टाइम को कोई लड़ने में लगा रहा होता, कोई सोने में लगा रहा होता, कोई कुछ कर रहा होता। लेकिन यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज कि हम एक दूसरे की भलाई के लिए लगे हुए हैं, कि किसी ने सही कहा है दोस्तों, कर भला तो हो भला। हम वही काम कर रहे हैं कि जिससे हमारा भी भला हो रहा है और हमारे देश का भी भला हो रहा है। किसी ने सच ही कहा है कि नर सेवा तो नारायण सेवा। आज आपके माध्यम से कितनी ऐसी बहन बेटियां हैं जिनकी जिंदगी बच सकती है, सवर सकती है, आज कितनी महिलाओं को घर बैठे रोजगार मिल सकता है। हम ये चाहते हैं कि हर घर का इंसान सुखी और स्वस्थ रहे। वो कैसे होगा? जब हम इस चीज को ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रमोट करेंगे। देखो दोस्तों, डिफरेंस मुझे क्यों अच्छा लगा और आज इस बिजनेस को मैं दिल से क्यों करती हूँ, क्योंकि इसमें दो काम एक साथ हो रहे हैं। हमें सेवा भाव का, अगर हम कोई नौकरी कर रहे होते तो हमें सेवा भाव का मौका नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पे दो काम हो रहे हैं, लोगों की सेवा भी हो रही है और पैसा भी आ रहा है। उससे क्या हो रहा है, मेरा घर भी चल रहा है, लोगों का घर भी चल रहा है, और सपने कहाँ नहीं देखे जाते। सपने नौकरी वाले इसलिए नहीं देख पाते कि समय ही नहीं होता, लेकिन आज हम लोग एक दूसरे के माध्यम से इस सिस्टम को प्रमोट करने में इतना सक्षम क्यों हो पा रहे हैं, क्योंकि देखो जो भी चीजें हैं यूज तो हम करेंगे। आज ऐसी कितनी माताएं बहनें हैं जो कैंसर से, क्योंकि ये हमारा डाटा नहीं है दोस्तों, ये WHO का है, फीमेल्स डेथ कर रही हैं सिवरी कैंसर की वजह से, ओवरी कैंसर की वजह से। अगर हम खुद सैनिटरी नैपकिन यूज करके उन माताएं बहनों तक पहुंचा दें तो हम जिंदगी में कितना बड़ा काम करना है, कितना बड़ा पुण्य कमा पाएंगे। जो जिसको पता नहीं था कि दुनिया में कोई ऐसी चीज है जिसको यूज करने से हमारा जीवन बच सकता है। तो दोस्तों चैलेंजेस आएंगे, जिंदगी भर रहेंगे, क्योंकि कोई भी चीज कभी भी सामान्य नहीं होती। चैलेंजेस मेरे पास भी बहुत हैं, आज भी हैं, बीच में भी कुछ ऐसे चैलेंज आए कि उन्हें शेयर करना भी मुश्किल है, क्योंकि मैंने भी देखा कि अगर हम मुश्किल में टूट गए तो खड़े कब होंगे। हमें उस मुश्किल पड़ में ही तो खड़ा होना है, जब कोई संघर्ष की घड़ी आएगी तभी तो खड़ा होना है। देखो दोस्तों, जब मैंने इस बिजनेस को शुरुआत की थी, जब संघर्ष ज्यादा था, जब चैलेंज ज्यादा थे, लेकिन धीरे धीरे फैमिली को भी चीजें समझ आ रही हैं। आज मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगी अपने हस्बैंड का। देखो दोस्तों, एक नारी की जो कहते ना कि वो जो बनती है, जब तक उसके पति का हाथ नहीं होता तो वो जीवन में कुछ नहीं करती। मैं कहती हूँ भले 1% हो, 2% हो, 10% हो, लेकिन आज उन्होंने मुझे जो सहारा दिया, जो सपोर्ट दिया, उसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और आज जब इस तरीके से लोगों में जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो धीरे धीरे इन चीजों को समझ रहे हैं कि हाँ यार, ये जो कर रहे हैं ये अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारा जो कल्चर है, एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो धीरे धीरे लोगों में आ रही है, हम बहुत सारी ऐसी चीजें कर रहे हैं, यानी कि कोई भी माता बहन है अगर वो किसी की खुशी का पात्र बन रही है तो वो अपने जीवन में कुछ ऐसा कर रही है कि जो उसने कभी नहीं सोचा था। तो दोस्तों आज मैं सभी फीमेल से ये कहना चाहूंगी कि जो आपके पास जो वो फ्री टाइम है, उस टाइम को इस सिस्टम के माध्यम से आप यूटिलाइज करना चाहें और अपने सपनों को साकार करने में हम सब सफल हो सकते हैं।
जो वो 35 करोड़ की जनसंख्या है, जो वो देख रही है, वेट कर रही है कि कोई आए और हमें भी बताए। तो दोस्तों, मुझे आज बहुत गर्व फील हो रहा है और मैं आज बहुत अपने आप में खुशी भी फील कर रही हूँ कि मेरे साथ में आज ऐसी अनेक महिलाएं जिनके साथ में मुझसे भी ज्यादा संघर्ष है, मुझसे भी ज्यादा चैलेंज है, और वो भी धीरे धीरे कामयाब हो रही है। आज मैं सल्यूट करती हूँ कि यही एक ऐसा सिस्टम है जो एक दूसरे को सपोर्ट करता है। नहीं दोस्तों, आप खुद सोचें कि घर में कौन किसको कितना पूछ रहा है। लोगों को अपने अपने फोन से ही फुर्सत नहीं है, लेकिन यहाँ तो कम से कम कितने लोग हैं जो आपके दुख और दर्द को समझते हैं और कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं। दोस्तों, इस वर्ड में एक बहुत बड़ी पावर होती है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं आज बहुत ही ज्यादा शुक्रगुजार हूँ अपने परिवार का। कुछ संघर्ष आया, चैलेंज आए, लेकिन उन्होंने उस चैलेंज को धीरे धीरे समझना स्टार्ट किया। मुझे खुशी है इस बात की कि आज उन सबके सपोर्ट से, आज मैं उन फीमेल्स की सपोर्ट से, कि आज जब हम गांव से जब निकलते हैं तो लोग कहते हैं अच्छा ये 4-5 फीमेल वहां काम करती हैं। यानी कि ऐसी कितनी महिलाएं हैं जिनको हमने ऑपरेशन से बचाया है। आज मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने एक ऐसे सिस्टम को सीखा है जिसमें मैंने अपनी हेल्थ तो अच्छी की है, और ना जाने कितनी महिलाओं को खुद से खुश रहने की सलाह भी दी है। आज मेरे पास में दोस्तों इनकम की बात करूं तो अच्छी खासी इनकम मैं जनरेट कर रही हूं, और लोगों के घर इनकम पहुंचाने का मैं एक जरिया बन पाई। देखो, हमारे पास ज्यादातर फीमेल्स ऐसी होंगी जिनके पास पैसे नहीं होंगे, लेकिन दोस्तों पैसे नहीं है, पैसे हो जाएंगे, क्योंकि कोई भी चीज होती नहीं है, करनी पड़ती है। जब भी मैं मेरी लाइफ में काम करने का कोई भी संघर्ष आया तो मैंने उस चीज को से मैं इसलिए नहीं लिया क्योंकि सपने बड़े मेरे हैं, तो उसमें से रास्ता भी मुझे ही निकालना पड़ेगा। फैमिली का चैलेंज रहा, मैंने उसको बैठ के हमेशा सोचा और फिर उसी में से रास्ता निकाला, क्योंकि सपने बड़े मेरे हैं। क्योंकि आज जब हम किसी काम की बुनियाद रखते हैं तो लोग साथ कम देते हैं, लेकिन जब बुनियाद रख जाती है तो दूर से भी साथ मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो दोस्तों, मैं उन सभी फीमेल से रिक्वेस्ट भी करती हूँ और गुजारिश भी करती हूँ कि आप लोग अपने उस फ्री टाइम को यूटिलाइज करें। मैंने भी अपने उस फ्री टाइम को यूटिलाइज करा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जिसके पास 3-3 छोटी बेटियां हों एक ही उसमें, और उसमें भी एक ऐसी बेटी जो नए लोगों से देखते ही रोना चीखना चिल्लाना स्टार्ट करे, लेकिन कोई बात नहीं, समय एक सा नहीं रहेगा, क्योंकि जो संघर्ष मेरे स्टार्टिंग में थे वो आज नहीं है, और जो आज है दोस्तों वो कल नहीं रहेंगे। और एक बात मुझे अपने बिजनेस की सबसे अच्छी जो समझ में आई कि कौशल्या कुछ भी नहीं, जो 12 क्लास हैं हमारे इस बिजनेस की, जो 12 क्लास हैं, और फर्स्ट टाइम मुझे क्या समझ आया था कि मान लेते हैं कि मैंने 15 साल में भी ये 12 क्लास पार करी तो भी तो करोड़ों रुपए का फायदा है, नुकसान ही क्या है, यूज एंड शेयर ही तो है। अपने मैंने घुटने ठीक किए और लोगों के कर दी, मैं लोगों को मैंने सलाह दी कि ऐसे भी कुछ होता है। वही सलाह दोस्तों आप सबको देनी है, और आप भी घर बैठे मेरी तरह इनकम भी जनरेट करेंगे और हेल्थ भी। और आज तो मुझे इस बात की बताते हुए बहुत बड़ी खुशी है कि आज मेरे पास जो सबसे बड़ी दौलत है ना दोस्तों, वो मेरी सेहत है। पैसे तो कहीं से भी आ जाते, आज मैं शुक्रगुजार हूं इंदर जी सर का कि उन्होंने मुझे सही समय पे ये वर्ड बोला और वो मेरे माइंड को क्लिक करा, और आज उस वर्ड की वजह से मैंने सेहत के साथ साथ में काफी इनकम भी जनरेट करी। और आज दोस्तों
तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगी अपनी कंपनी को, ली जॉन को, जिन्होंने एक इतना अच्छा प्लेटफॉर्म सजाया जिसमें आज मेरी जैसी तमाम बहन और बेटियां अपने जिंदगी का सपने को साकार करने में सक्षम हो सकती है। आज उनका सपना हमारी सभी फीमेल्स का अपना सपना हो सकता है, क्योंकि हम सब भी चाहते हैं कि हम जिंदगी में आए हमें भी वो सम्मान मिले जो दुनिया को मिलता है। ये एक मात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें घर में रहकर भी आप मेरी तरह अच्छा पैसा जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इसमें ही एक्टिव इनकम और पैसिव स्रोत है। आज कंपनी की जो मशीनें हैं, मुझे बस वही समझ आई कि यार करना क्या है। ब्लॉकेज भी हर घर में है, बीमार भी हर घर में है, बेकार भी हर घर में है, मेरी तरह सपने देख भी घर में रहे हैं, क्योंकि मैं भी तो सपने ही देख रही थी, काश मुझे किसी ने बताया। तो दोस्तों ना जाने ऐसी कितनी महिलाएं घर में बैठ के सपने देख रही हैं कि यार मुझे भी कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो मेरे पास जो अंदर की जो फौलाद है, अंदर की जो एबिलिटी है, जो योग्यता है, उसे भी मैं कहीं दिखा पाऊं और अपने सपने साकार कर पाऊं और किसी के लिए मैं एग्जाम्पल बन पाऊं। दोस्तों कहते हैं कि कोई भी चीज होती नहीं है, करनी पड़ती है। कोई भी चीज मिलती नहीं है, लेनी पड़ती है। दोस्तों अपॉर्चुनिटी तो मेरे पास भी आई, काश मैंने ली ना होती तो कोई और ले लेता, क्योंकि मैंने बस एक ही चीज जीवन में जो अच्छी आती है बस वो ये है कि कभी किसी को बिना सुने रिजेक्ट मत करना, कभी किसी को बिना सोचे समझे प्रीजज मत करना। क्योंकि काश मैंने, अगर आप कभी भी किरण आंटी से मिलेंगे तो उनको कोई भी पहले ही रिजेक्ट कर देता, अरे ये क्या बताएंगी बुजुर्ग लेडी हैं, लेकिन नहीं, आज मैंने उन्हें एक्सेप्ट किया तो मेरी जिंदगी उनके माध्यम से बदल गई और मुझे इतने अच्छे लीडर्स मिले, इतनी अच्छी प्यारे सी मेरी सी टीम है, जिसमें आज ऐसी भी लेडी हैं, वो धीरे धीरे अभी आ रहे हैं और आपको बहुत जल्दी उनके टैग चेंज होंगे, आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं मेरे से भी ज्यादा संघर्ष करके वो कंधे से कंधा मिला के खड़े हुए हैं। तो दोस्तों चैलेंज तो आएंगे, लेकिन जो चैलेंज को मात दें वो इतिहास भी बनाते हैं। और मेरा तो सपना था कि मैं जीवन में कुछ बड़ा करूं और आज मैं टियांस के माध्यम से, दोस्तों आप देखेंगे कि बहुत जल्दी मैं अपने इन सपनों को पूरा कर लूंगी, क्योंकि मुझे जो एक बात शुरू पहले के दिन जो समझ आई थी, जो 22,50,000 जो कार फंड गोल्ड लाइन पे मिलता है, मैंने कहा यार ये डिग्री का ही तो मिलता है, अगर 10 साल में भी हम गोल्ड लाइन बने तो ये तो कमीशन से अलग ही मिलता है। बस वो लाइन जो मुझे आगे लिखे गई, मुझे नहीं पता कि कब ये 80 लाख का बिजनेस हो गया दोस्तों, लेकिन कहते हैं ना कि जब बीज डालेंगे तो कब वो पेड़ बन जाएगा हमें खुद को भी नहीं पता। तो आज मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ अपने पूरे सभी बिजनेस पार्टनर्स को, अपने सभी सीनियर लीडर्स को, अपने टियांस को, मिस्टर ली जॉन को, अपने जितने भी मेरे गुरु हैं, मेंटोर हैं। आज मैंने अपने गुरुओं से सीखा, अपने मेंटोर से सीखा। दोस्तों इस काम में मैं सफल क्यों बन पाई, अगर मैं थोड़ा सा बताऊं, जब मैंने इस काम को स्टार्ट किया था तो मेरे को ऑनलाइन चीजें नहीं आती थी। मेरी जो गुरु हैं, मेरी फ्रेंड भी है पिंकी जी, वो मुझे सामान घर पे लाती थी, पहले वो सामान देके जाती थी, फिर वो पैसे लेके जाती थी। तो मैंने एक दिन सोचा कि यार इस लेडी को कितना दुख होता होगा, क्योंकि हमारे यहाँ से थोड़ी व्हीकल की प्रॉब्लम है, कम से कम 5 किलोमीटर की दूरी ऐसी है जहाँ व्हीकल के लिए एक एक डेढ़ घंटा लोगों को खड़ा होना पड़ता है। तो मुझे इस बात का दुख होता था कि यार मैं तो ठीक है कि ये लेडी इतना संघर्ष करके मुझे यहाँ देके सामान देके जाती हैं, फिर लेके आती हैं,
तो मुझे कुछ अच्छा फील नहीं होता था। मुझे लगता था कि मैं अपने सुख के लिए किसी को परेशान कर रही हूँ। नहीं, फिर मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि भाई मुझे एक काम सीखना है कि इसमें फोन में कुछ गूगल पे वगैरह होता है, वो आप मुझे बता दो। और वहां से मुझे मिंकी जी ने बताया कि भाई कोरियर घर होता है। तो दोस्तों, मैंने आज मैं तहे दिल से उनका बहुत ज्यादा थैंक्स करती हूँ, क्योंकि शुरुआती दौर में जो खड़ा किया वो कोई और नहीं, वो पिंकी जी हैं। इस तरीके से घर तक आना ही दूर, घर से करीबन करीबन 500 मीटर की दूरी से वो दोनों हाथों में सामान लेके आती थी और यहाँ से कुछ देर रुक के वो वापस जाती थी, कितना पसीना बहाती थी। लेकिन बस मुझे एक दुख होता था यार, मैं घर से तो निकल नहीं पाती, लेकिन इस बिचारी को मुझे कितना परेशान करना पड़ता है। मैंने उन चीजों को सीखा, उन्होंने मुझे बताया, और उस दिन से आज का दिन है कि मुझे उन्होंने अपडेट करना सिखाया कि ऑफिस से इस तरीके से सेल डलेगी कौशल्या जी, इस तरीके से ये होगा, इस तरीके कार्ड बनेंगे, इस तरीके उन्होंने हर चीज के बारे में बताया। और आज मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ अपने सभी सीनियर लीडर्स का। जैसे कि अभी हम जब हम काम कर रहे होते हैं, हम कहीं अटकते हैं, तो इसमें सबसे जो सुविधा मुझे लगी कि कहीं भी हम अटके, बिना घर से जाए काम कैसे होता है, कि हम सभी कभी भी मैं ये इंतजार नहीं करती कि मेरे गुरु का, मेरे मेंटर्स का मुझे फोन आएगा और वो मुझे बताएंगे कि क्या करना है। मैं दिन भर काम और उसके बाद में जब मैं अटकती हूँ तो मैं अपने गुरु से, अपने मेंटर से पूछ लेती हूँ कि सर यहाँ क्या करना है, मैम यहाँ क्या करना है। आज तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ सी लीडर्स का, सर पंचाल सर, विंकी मैम, इंदर जी सर, राहुल सर, एक ऐसी सपोर्ट जो कहीं नहीं मिलती। तो थैंक यू सो मच ऑल लीडर्स कि आप सबने मेरी बात को इतने ध्यान से सुना। थैंक यू सो मच ऑल।